हेलो स्टूडेंट, क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए कि 0 to a फंक्शन a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स बराबर हमें प्रूव करना है ये इंटीग्रेशन a to b एफ ऑफ एक्स डी एक्स, यानी ये आइडेंटिटी है एक तरह से, ये वाली आइडेंटिटी हमें ये प्रूव करके दिखानी है हमें, ठीक है। फिर इसी का यूज करके ये क्वेश्चन में अप्लाई करनी है, इसका मान निकालना है कह रहे हैं, और इसका प्रयोग करके 4 से 9 एफ ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स प्लस एफ 13 - x डी एक्स का मान बताइए कितना होगा, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो हम क्या करेंगे, ये वाली प्रॉपर्टी लेके ये प्रूव करेंगे, फिर इसका यूज करेंगे ये करेंगे हम, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे हम, ये वाली फंक्शन की क्या करेंगे हम, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे हम, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, ए टू बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है। ये वाली प्रॉपर्टी हम लेके चलेंगे, हम क्या करेंगे इस वाले फंक्शन को अंदर वाले को कुछ लेट कर लेंगे, ठीक है। लेट ए प्लस बी माइनस एक्स बराबर क्या मान लेंगे, थोड़ी देर के लिए टी मान पे चलेंगे, ठीक है। इसका क्या कहते हैं, डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो जो तो जीरो हो जाएगा हमारा, जो जीरो हो जाएगा हमारा माइनस का डी एक्स, और जो हो जाएगा हमारा डी टी। तो डी एक्स की जो वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का डी टी हो जाएगा। साथ के साथ लिमिट चेंज कर देंगे हम, ठीक है। साथ के साथ क्या करेंगे, लिमिट चेंज कर देंगे। लिमिट कैसे चेंज करेंगे, देखो पहले लिखेंगे एक्स बराबर ए पर, एक्स बराबर ए पर, और कहाँ रख देंगे जो लिमिट एक्स बराबर ए, यहाँ रख देंगे जो मानते हैं इसमें। तो देखो a प्लस बी और माइनस का x जगह क्या रख देंगे, a बराबर टी, ए से ए कट गया, तो लोअर लिमिट क्या बन गई हमारी, b बन गई हमारी, ठीक है। इसी प्रकार लिखेंगे x बराबर b पर, x बराबर b पर, तो x बराबर b लिखेंगे यहाँ पे, तो a प्लस बी माइनस बी और इक्वल टू टी, b से b कट गया, तो a इक्वल टू क्या होगा, टी। अपर लिमिट क्या हो गई हमारी, a बन गई हमारी, ठीक है। यहाँ रख देंगे इधर, तो देखो कैसे करेंगे, अपर लिमिट लोअर लिमिट क्या बन गई हमारी, बी। अपर लिमिट क्या बन गई हमारी, ए। एफ ऑफ एफ जी क्या मानना था हमने, टी, और जी डी एक्स जगह पे क्या रख देंगे, माइनस डी टी। माइनस को निकाल देंगे बाहर, ये हो गया हमारा फंक्शन। अब इस फंक्शन के वेरिएबल को चेंज कर देंगे, कौन सी वाली प्रॉपर्टी लगा देंगे, फर्स्ट प्रॉपर्टी। जो फर्स्ट प्रॉपर्टी पहले तो क्या करेंगे, इसका साइन चेंज कर लेंगे, तो इसका ऊपर नीचे हो जाएगा। जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर जी वाली प्रॉपर्टी पढ़ी थी, जैसे ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, अगर इन लिमिट को इंटरचेंज करते हैं तो फंक्शन का साइन बदल जाता है हमारा, यानी बी नीचे ई ऊपर, फंक्शन ऐसे बदल जाएगा हमारा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले इसका साइन चेंज कर लेंगे हम, या फिर साइन कैसे चेंज करेंगे हम, लिमिट ऊपर कर देंगे बी को, ए को नीचे और बी को ऊपर, तो प्लस बन जाएगा हमारा। और एक प्रॉपर्टी और पड़ी थी हमने दूसरी वाली, जैसे ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो कोई फर्क नहीं पड़ता था अगर ए टू बी अगर फंक्शन टी में आ जाए हमारा, ठीक है, उसमें कोई फंक्शन कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या करेंगे, इधर से इधर लिख देंगे हम, जब तो लिख दो इधर, तो क्या हो जाएगा ए टू बी, और ऐसे लिख देंगे फंक्शन एक्स और डी एक्स, जी हमें प्रूव करना था, ठीक है। जी वाली बात हमें प्रूव करनी थी। अब इस वाले क्वेश्चन पे अप्लाई करेंगे, ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन लेके चलेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब क्या करेंगे, पुनः इसे आई के बराबर मान लेंगे यहाँ पे, इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, आई के बराबर मान के चलेंगे, तो आई इज इक्वल टू 4 to 9 एफ ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स और प्लस एफ 13 - x,
डी एक्स, इसे मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। अब करेंगे यूजिंग प्रॉपर्टी जी वाली। तो क्या हो जाएगा, देखो आई बराबर चार से नौ, दोनों को ऐड करके बैठा देंगे इसमें से, ठीक है। तो नौ चार तेरह माइनस एक्स, ऐसे लिख देंगे यहाँ पर, नौ चार तेरह, तेरह माइनस एक्स प्लस फंक्शन यहाँ पर तेरह सौ ये, इसमें लिखेंगे तेरह माइनस एक्स, तो माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस तेरह प्लस एक्स, ठीक है, ये डी एक्स, ये तेरह से तेरह कट गया। तो आई बराबर क्या हो जाएगा हमारा, आई बराबर हो जाएगा हमारा चार से नौ एफ थर्टीन माइनस एक्स अपॉन एफ थर्टीन माइनस एक्स, और जी बन जाएगा हमारा प्लस एफ ऑफ एक्स, जो बन गया इक्वेशन सेकंड। दोनों को ऐड कर देंगे हम, तो देखो एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, तो ऐड कैसे करेंगे, आई और आई कितना हो गया हमारा टू आई, दोनों की लिमिट सेम है तो एक की लिमिट में लिख देंगे, ठीक है। और एफ ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स प्लस एफ थर्टीन माइनस एक्स और प्लस, अब जी वाला लिख देंगे हम एफ थर्टीन माइनस एक्स अपॉन एफ थर्टीन माइनस एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स होल डी एक्स होल डी एक्स, दोनों का एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम सेम है दोनों का, तो टू आई इजकल टू फोर टू नाइन, एलसीएम कितना आ जाएगा सेम आ जाएगा, तो एफ ऑफ एक्स प्लस एफ थर्टीन माइनस एक्स कट गया, तो एफ ऑफ एक्स आ जाएगा और प्लस एफ थर्टीन माइनस एक्स आ जाएगा, ठीक है, डी एक्स जीरो आपस में कट गया हमारा, कितना बच गया हमारा एक बच गया, डी एक्स रह गया, तो टू आई इजक्वल टू फोर टू नाइन डी एक्स, तो डी एक्स का इंडिकेशन क्या होता है, एक्स लिमिट बन जाएगी हमारी फोर टू नाइन, पहले अपर लिमिट लगाएंगे तो नाइन माइनस फोर, नीचे की लिखेंगे तो कितना बचेगा हमारा फाइव, तो टू आई इजक्वल टू कितना आ गया फाइव आ गया हमारा, क्या लिख देगा टू आई इजक्वल टू फाइव, तो आई की वैल्यू कितनी आ गई फाइव अपॉन टू, तो ये हमारा आंसर आ गया, इस तरह से करें।